हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में। 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए। ये रिफॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हुए। दीज रिफॉर्म्स आर इनिशिएटेड टू मेक द इंडियन इकोनॉमी मोर स्ट्रेंथन। 1991 की बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए कमेटी प्रपोज की। इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर कंप्राइजेज ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें से कि जो बैंकिंग सेक्टर है दैट डोमिनेटेड द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर। और तकरीबन 60% ऑफ द एसेट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इज ऑन बाय द कमर्शियल बैंक्स। सो बैंकिंग सेक्टर में मेजर रिफॉर्म्स हुए। आज हम इन्हीं रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। बट क्या रिफॉर्म्स हुए, इसको पढ़ने से पहले एक बार हम प्री रिफॉर्म सिनेरियो भी देख लेते हैं, और ये हमें समझने में मदद करेगा कि बैंकिंग सेक्टर में ये जो रिफॉर्म्स हुए ये क्यों ज़रूरी थे। तो प्री रिफॉर्म्स देख लेते हैं क्या था। तो सबसे पहले फर्स्ट वन इज डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो प्रायर टू रिफॉर्म्स द बैंकिंग सेक्टर वॉज लार्जली डोमिनेटेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स विच वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक जो रिफॉर्म्स से पहले जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनको गवर्नमेंट जो थी वो कंट्रोल कर रही थी, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। दीज बैंक्स हेल्ड अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर एंड प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द इकॉनमी, स्पेशली इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड सपोर्टिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सो 1969 में गवर्नमेंट ने 14 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। देन उसके बाद 1980 में 66 मोर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। तो इस तरह से नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट जो होती है वो बैंक्स को अपने कंट्रोल में ले आती है, तो प्राइवेट सेक्टर से उनको पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरह से बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। सो इन बैंक्स के जितने भी डिसीजंस होते थे वो गवर्नमेंट लेती थी। देन सेकेंड वन इज रेगुलेटरी कंट्रोल। द बैंकिंग सेक्टर ऑपरेटेड अंडर रिजीम ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल्स एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, इंटरवेंशन थी, इंटरफेरेंस थी। इंटरेस्ट रेट्स, लैंडिंग प्रैक्टिसेस एंड ब्रांच एक्सपेंशन वर ऑफन सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स एंड रेगुलेशंस। सो इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाएगा डिपॉजिट्स पे। लैंडिंग प्रैक्टिसेस क्या होगी, लैंडिंग प्रैक्टिसेस है कि किस सेक्टर को कितना लोन, किस परसेंट पे, किस इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। देन ब्रांच एक्सपेंशन, अगर कोई बैंक अपना ब्रांच, नई ब्रांच खोलना चाहता था, उसके लिए भी उसको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती थी। तो इस तरह से गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो थी वो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा थी। सो दिस लेड टू इन एफिशेंसीज, लैक ऑफ कॉम्पिटिशन एंड लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, पर्टिकुलरली इन रूरल एंड अनडिजर्व्ड एरियाज। सो बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा था। देन थर्ड वन इज मोनोपोली एंड लिमिटेड इनोवेशन। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स, देयर वॉज लिमिटेड कॉम्पिटिशन एंड इनोवेशन इन द बैंकिंग सेक्टर। क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर बैंक डोमिनेटेड थी और उसमें भी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था, तो बैंकिंग सेक्टर में जो कंपटीशन था वो लिमिटेड था, कम था, और इनोवेशन ना के बराबर थी। बैंक्स ऑपरेटेड इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट विद लिटल इंसेंटिव टू इंप्रूव एफिशिएंसी, एनहांस कस्टमर सर्विस और इनोवेट इन प्रोडक्ट एंड डिलीवरी चैनल्स। देन फोर्थ वन इज क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसीज। गवर्नमेंट डायरेक्टेड क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसीज वर प्रेवलेंट विद बैंक्स मैंडेटेड टू प्रायोरिटाइज लैंडिंग टू सर्टन सेक्टर्स deemed crucial for economic development such as agriculture, small scale industries and export. So government directed credit allocation policies prevalent thi banking sector mein. Iska matlab hai ki government ne priority sector fix kiya hua tha jisme agriculture, small scale industries and exports aa jate hain. To banko ko ye directions thi, unke liye mandatory tha ki unke paas jitna deposit hota hai uska 40% unko in priority sector ko lend karna hai, aur kis rate pe karna hai aur kitna karna hai ye bhi banks hi, ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। सो दिस ऑफन लेड टू डिस्टोर्शन इन क्रेडिट मार्केट्स एंड मिसलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके कारण जो बैंकों के जो बैड लोन्स थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी, वो बढ़ रही थी। देन फिफ्थ वन इज वीक रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन बैंक्स वर ऑफन इनएडिक्वेट विद
issues such as lax lending standards, weak credit appraisal processes, and inadequate provisioning for bad loans. So risk management practices jo banks ki thi, wo bhi weak thi. Jiske karan, this resulted in a high level of non-performing assets and undermined the stability of banking system. Jiske karan kya hua ki banks ke jo NPAs the, jo non-performing assets the, wo lagatar badh rahe the aur jo ki banking system ko weaken kar rahe the. Then sixth one is limited access to banking services. Access to banking services, particularly in rural and remote areas, was limited. So rural and remote area mein banking services limited thi. Banks ki branches jo thi, wo rural and remote areas tak nahi thi. Branch networks were concentrated in urban centers, leaving large segments of the population undeserved or unbanked. So jo branch chiz thi, banks jo the mostly urban area tak hi limited the. और बहुत सारा जो इंडियन पॉपुलेशन थी, इंडियन सेगमेंट था, वो इन बैंक्स से इन बैंक्स तक नहीं पहुंच पा रहा था. इसके कारण क्या होता था कि अगर जब किसी जब लोगों को जब विलेज में रहने वाले लोगों को लोन चाहिए होता तो चाहिए होता था तो वो प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास जाते थे जो कि उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते थे और इस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था. So this lack of access hindered financial inclusion and economic development. So ये जो practices थी ये economic development में hindrance डाल रही थी. So overall अगर हम देखें तो जो pre-reform scenario अगर हम देखें तो the banking sector pre-reform was characterized by regulated and insulated environment dominated by public sector banks with limited competition, innovation and financial inclusion. These reforms aim to address those shortcomings and transform the banking sector into a more competitive, efficient and inclusive system capable of supporting economic growth and development. So, ab aapne dekha ki pre-reforms, reforms se pehle bank ki conditions kaisi thi, kis tarah se jo government thi, unko control karti thi, banks jo tha wo urban area tak hi limited tha, competition banks mein kam tha, naye innovative product and services नहीं थे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बैंक में यूज हो रही थी. तो इस पर इसके कारण जो बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स थे वो जरूरी थे. तो इसके लिए 1991 में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाई गई. तो कमेटी वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हम. तो एम नरसिम्हम जो थे उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई. मैं आपको थोड़ी छोटी सी इंट्रोडक्शन एम नरसिम्हम के बारे में भी दे देती हूँ कि एम नरसिम्हम कौन थे. सो एम नरसिम्हम अ ग्रेजुएट ऑफ सेंट जॉन्स कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज वॉज अ करियर सेंट्रल बैंकर ज्वाइनिंग द RBI एज ए रिसर्च ऑफिसर इन द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट इन 1950. ही ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द गवर्नमेंट एज एन एडिशनल सेक्रेटरी इन द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बिफोर बींग अपॉइंटेड RBI गवर्नर इन मे 1977 for a short time of 7 months. He was subsequently India's director in the World Bank and later in the IMF. These two are the international organization, International Monetary Fund IMF and World Bank. So jo M Narasimhan the wo in dono international organization ke director bhi rahe. As an insider and as somebody who had seen the industry up close, Narasimhan was well acquainted with the problems plaguing Indian banking and seemed to know exactly what kind of medication was required to nurse it back to health. So Narasimhan jo the, M. Narasimhan jo the, wo Indian jo banking sector tha, usko अच्छे से जानते थे, उसकी weakness को अच्छे से जानते थे, इसलिए he knows. ही न्यू एग्जैक्टली कि उनको क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में. तो इसलिए इस कमेटी ने 3 महीने के अंदर अंदर ही अपनी जो रिपोर्ट थी, अपनी रिकमेंडेशंस थी, वो गवर्नमेंट को सबमिट करा दी. इन रिकमेंडेशंस के लिए नरसिम्हम को फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स का टाइटल मिला. और उसके बाद जब 1998 में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स की जो कमेटी बनी उसमें भी नरसिम्हम को चेयरमैन बनाया गया. सो जो फर्स्ट फेज ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स चला वो 92 से 97 तक चला और उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आए बैंकिंग इंडस्ट्री में. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रिफॉर्म्स के बारे में, क्या थे वो रिफॉर्म्स.
The government and RBI decided in April 1992 to implement the Narasimhan Committee's recommendation in a phased manner but with certain modification. So first one is liberalization of interest rates. So pehla reform kya hua? Liberalization of interest rates. One of the primary reform was the liberalization of interest rates. Previously, इंटरेस्ट रेट्स वर ओफन कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. तो पहला रिफॉर्म क्या था कि जो इंटरेस्ट रेट थे, जो बैंक्स रेट फिक्स करती थी, इंटरेस्ट रेट फिक्स करती थी, उसको लिबरलाइज किया गया. पहले हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा. बट अब जो है वो बैंक्स खुद डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेज. मार्केट फोर्सेस से मतलब है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे. अब बैंकों को ये पावर दे दी गई कि वो खुद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड करे. सो दिस मूव एम टू प्रमोट कॉम्पिटिशन एंड एफिशिएंसी इन द बैंकिंग सेक्टर. सेकेंड इज प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन प्री एम्प्टिव रिजर्व्स. प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन प्री एम्प्टिव रिजर्व्स रेफर्स टू द ग्रेजुअल रिलैक्सेशन और रिडक्शन ऑफ रिजर्व्स requirements imposed on banks by regulatory authorities. SLR has been brought down from 38.5% to 25% and CRR, that is cash reserve ratio, has been brought down from 16.5% to 9.75%. इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं. Suppose किसी bank में एक जो रुपया है वो deposit है, तो पहले क्या होता था कि banks को एक रुपए में से 66 पैसे या 70 पैसे जो है वो एज ए सी आर आर एंड एज ए एस एल आर आर बी आई को डिपॉजिट कराने पड़ते थे, आरबीआई पे रखने पड़ते थे. बट जब रिफॉर्म्स हुए, जब एस एल आर और सी आर आर रेट्स को कम किया गया, तो अब बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे थे फॉर द लोन पर्पसेस. पहले जैसे 66 रुपीज़ या 70 रुपीज़ बैंक्स इनके आरबीआई को डिपॉजिट करती थी, अब तकरीबन 34 रुपीज़ जो है 35 पैसे जो है वो बैंक्स आरबीआई के पास रखती थी और बाकी जो अमाउंट होता था वो जनरल पब्लिक को लोन के लिए ऑफर किया जाता था. तो इस तरह से रिफॉर्म्स हैज इफेक्टिवली डबल द प्रोपोर्शन ऑफ बैंक्स रिसोर्सिस अवेलेबल फॉर द कमर्शियल सेक्टर बाय ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशंस. तो इस तरह से जो बैंक्स के रिसोर्सेज थे वो बढ़ गए. Then third one is entry of private and foreign banks. Another key aspect of phase one reforms was the entry of private and foreign banks into the banking sector. Prior to these reforms, the banking industry was dominated by public sector banks. So, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, ये reforms में हमने पढ़ा कि banking industry में public sector bank dominated थे. But जब reforms start हुए, तो private और foreign banks को की एंट्री को अलाउ किया गया. हाउ एवर विद द एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाइड लीडिंग टू इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड इम्प्रूव कस्टमर सर्विस. सो जब प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक को अलाउ किया गया बैंकिंग सेक्टर में, तो इससे क्या हुआ कि इससे बैंक्स में कॉम्पिटिशन बढ़ा. नए नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बैंक्स ने ऑफर करने शुरू कर दिए. टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, कस्टमर सर्विसेज जो थी वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई बैंकिंग सेक्टर में. देन फोर्थ वन इज इस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज. द इस्टैब्लिशमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फेज वन रिफॉर्म्स. दीज बॉडीज सच एज सेंट्रल बैंक एंड फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज वर टास्क्ड विद ओवरसीइंग बैंकिंग ऑपरेशंस, एनफोर्सिंग प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशन. तो पहले जैसे क्या था कि गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा थी, तो रिफॉर्म्स में क्या किया गया कि आरबीआई को रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बैंक्स की वो बनाया गया, आरबीआई को पावर्स दी और गवर्नमेंट के रोल को, गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस को बैंकिंग सेक्टर में कम किया गया. सो स्ट्रेंथनिंग सुपरविजन एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म बिकेम अ प्रायोरिटी. देन फिफ्थ वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स. सो फेज वन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड प्रूडेंशियल नॉर्म्स एम्ड एट इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ बैंक्स. सो प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होते हैं? प्रूडेंशियल नॉर्म्स आर लॉज एंड रूल्स डिजाइंड टू मिनिमाइज द रिस्क एंड दे इंश्योर द स्टेबिलिटी, सेफ्टी एंड साउंडनेस ऑफ बैंक्स. सो द पर्पज ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स
so as to ensure that the banks, that the books of commercial banks reflect the accurate and correct picture of financial position. So prudential norms जो थे वो banks में introduce किए गए to increase the safety and soundness of the banks. Then capital adequacy norms. Capital adequacy ratio is the ratio of minimum capital to risk asset ratio. In April 1992, RBI fixed a capital adequacy norm at 8%. By March 1996, all public sector banks had attained the ratio of 8%. It was also attained by foreign banks. So capital adequacy ratios jo thi wo banks ke liye fix ki gayi. Then next is technological upgradation. Embracing technology became a key focus during phase one reforms. Banks started adopting core banking solutions and investing in information technology infrastructure to enhance operational efficiency, improve customer service, and introduce new delivery channels such as internet banking, mobile banking, NEFT, RTGS, and ATMs. So, technological upgradation banks mein shuru ho gaya. Nayi nayi technology banks mein aa gayi, jiske karan naye products and services jo thi wo offer ki gayi aur jisne ki jo banking jo services thi unko kafi improve kiya. Then next is recapitalization of public sector banks. Phase one reforms also address the capitalization needs of public sector banks. Many weak public sector banks face the capital shortage due to factors like mounting NPAs and outdated technologies. The capitalization measures were introduced to boost their financial strength and improve their ability to lend and support economic growth. So jitne bhi weak public sector banks the, government ne unhe capital infuse ki so that to boost their financial strength. So these are the major economic reforms happened in 1992 in banking sector. So overall, the first phase of banking sector reforms laid the foundation for a more competitive, efficient, and resilient banking system. These reforms paved the way for subsequent phase of transformation and contributed to the overall development of the economy. So learner, this is all about the banking sector reforms. So till the next session, bye and happy learning.